खबर टिहरी से, जहां नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत गजुआ के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में आधा दर्जन विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एकत्रित होकर सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए शपथ ली और बाजार में विशाल रैली निकाली। छात्रों को संबोधित करते हुए नगर पंचायत गजुआ अध्यक्ष मीना खाती ने कहा कि दशहरे के अवसर पर हमें प्लास्टिक मुक्त नगर पंचायत बनाने का संकल्प लेना है। हमारी नगर पंचायत पॉलिथिन मुक्त हो, इसके लिए सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। नगर पंचायत गजुआ के अधिशासी अधिकारी हरिंद्र सिंह चौहान ने कहा, स्वच्छ अमृत महोत्सव पर हमें भी स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना है। उन्होंने कहा, छात्रों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमें अपने घर से लेकर शहर तक स्वच्छता का संदेश देना है। वहीं सभी विद्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक जीवन के लिए जहर विषय पर निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। सभी विद्यालयों के सहयोग से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सभी विद्यालयों ने अपना सहयोग किया। हमें स्वच्छता के ऊपर सिंगल यूज प्लास्टिक न यूज करने के लिए एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। मैं सभी विद्यालयों का धन्यवाद करना चाहूंगी और सभी जन मानस से आग्रह करना चाहूंगी कि आप भी अपना स्वच्छता में अपना योगदान दें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें और जहां भी कोई दाएं बाएं सड़क के किनारे रैपर न फेंकें, जहां डस्टबिन दिखाई देता है वहां फेंकें और स्वच्छता में अपना सहयोग प्रदान करें। आज नगर पंचायत गजुआ के अंतर्गत सभी विद्यालयों के सामूहिक रूप से एक स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। कल 2 अक्टूबर है स्वच्छता ही सेवा दिवस। भारत सरकार, राज्य सरकार, जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में ये रैली का आयोजन किया गया है। मेन उद्देश्य है सिंगल यूज प्लास्टिक बैग और जैविक अजैविक कूड़े को अलग अलग रखकर देना, नगर को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखना।